सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कार्बोरोस एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब यह होता है कि अगर सपोज सेंडर को रिसीवर को कोई एक मैसेज सेंड करना है या सेंडर को रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले सेंडर को और रिसीवर को या इन सम केसेस इन दोनों में से किसी एक को अपने आप को पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और उसके बाद सेंडर रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या सेंडर रिसीवर को मैसेज या जो भी है वो सेंड कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, मतलब उन्हें ये बताना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से कि सेंडर सेंडर है और रिसीवर रिसीवर है। मतलब अगर सपोज जैस्मिन को रमेश को कोई एक मैसेज सेंड करना है या जैस्मिन को रमेश के साथ कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले जैस्मिन को और रमेश को दोनों को अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये बताना पड़ेगा कि जैस्मिन ही जैस्मिन है या बेसिकली ये जो है ये जैस्मिन है और ये जो है ये रमेश है, और तभी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या तभी वो एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है वो ऐसा करने में मदद करता है। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं और उनमें से एक है कार्बोरोस। तो कार्बोरोस एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अब हम ये समझते हैं कि कार्बोरोस के अंदर होता क्या है। अब सबसे पहले हम सारी की सारी चीज़ों के फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले KDC, KDC का मतलब होता है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। देन AS का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन सर्विस। देन उसके बाद आता है TGS का मतलब होता है टिकट ग्रांटिंग सर्विस। अब हम बेसिकली इस प्रोसेस का सिनेरियो क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हमारी प्रिया है और ये यहाँ पे ओमार है। अब ओमार के पास बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस है और प्रिया को इन सारे के सारे रिसोर्सेस को एक्सेस करना है। तो अभी कार्बोरोस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के मदद से प्रिया इन रिसोर्सेस को कैसे एक्सेस कर सकती है ये हम समझेंगे, और इसके ज़रिए आप ये समझ जाओगे कि कार्बोरोस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या प्रोसेस चलता है। मतलब इस टॉपिक को आप पूरा का पूरा समझ जाओगे। अब शुरू करते हैं। अब अगर सपोज प्रिया को ओमार के रिसोर्सेस एक्सेस करना है, तो सबसे पहले प्रिया को अपने आप को ऑथेंटिकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए सबसे पहले प्रिया क्या करेगी, प्रिया जो है वो ऑथेंटिकेशन सर्विस को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगी, एंड दिस रिक्वेस्ट वुड बी फॉर टिकट ऑफ TGS। और वो ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि ऑथेंटिकेशन सर्विस का काम ही ये होता है कि जिसकी भी रिक्वेस्ट आए उसको सेशन की और टिकट्स ग्रांट करना टू TGS। तो अब जो प्रिया है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगी फॉर द टिकट्स फॉर TGS, राइट। अब रिक्वेस्ट मिलने के बाद ऑथेंटिकेशन सर्विस जो है वो प्रिया के आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा, और अगर वो आइडेंटिटी एक वैलिड आइडेंटिटी है तो फिर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अब वैलिड आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जनरली वैलिड आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर सपोज ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर वो उसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी है और अब उसकी आइडेंटिटी मैच कर गई है, तो इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी वैलिड आइडेंटिटी है, राइट। तो वो उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और फिर उसको इन रिटर्न TGS के लिए सेशन की एंड TGS के लिए टिकट सेंड करेगा। अब प्रिया को ये दोनों के दोनों चीज़ें मिल जाएगी, और अब क्या होता है, दोनों के दोनों चीज़ें मिलने के बाद जो प्रिया है वो अब TGS को रिक्वेस्ट सेंड करेगी फॉर ओमार। इसका मतलब ये है कि प्रिया ओमार के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है और इसीलिए वो रिक्वेस्ट सेंड कर रही है TGS को फॉर टिकट टू ओमार। ठीक है, अब TGS जो है वो उसका रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, उसको चेक करेगा, और अगर सब सही है तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, और इन रिटर्न वो उसको दो चीज़ें देगा। सबसे पहली चीज़ ओमार के लिए टिकट और दूसरी चीज़ ओमार के लिए सेशन की। और अब जब प्रिया को ये दोनों के दोनों चीज़ें मिल जाती है, तब जो प्रिया है वो ओमार को एक रिक्वेस्ट सेंड करती है। ठीक है, और अगर सारी की सारी चीज़ें सही है अगेन, तो जो ओमार है या जो ओमार का सर्वर है बेसिकली वो उस रिक्वेस्ट को ग्रैंड कर देता है और जो प्रिया है उसको ओमार का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है। अब तुम्हें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, ये जो प्रोसेस है पहला वाला ऑथेंटिकेशन वाला, जहाँ पे प्रिया जो अपना ऑथेंटिकेशन सर्विस है उसके साथ अपने आप को ऑथेंटिकेट करा रही है, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है, ऐसा बस एक ही बार होगा। तो ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मान लेते हैं कि प्रिया ने ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है वो कर लिया और वो ऑथेंटिकेट हो गई और उसने ओमार के साथ चीज़ें करना चालू कर दिया, मतलब बेसिकली कम्युनिकेट करना चालू कर दिया, और अब मान लेते हैं कि उनका कम्युनिकेशन हो गया और सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ओमार के जगह पे दूसरा कोई इंसान है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओमार के जगह पे रमेश है, और अब प्रिया को रमेश के रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं,
तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ऐसा करने के लिए प्रिया को ये प्रोसेस फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ एक बार होता है, ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस सिर्फ एक बार होता है जैसे कि मैंने बोला था। बट उसको क्या फिर से करने की ज़रूरत है, उसको ये फिर से करने की ज़रूरत है क्योंकि अब ओमार तो है ही नहीं, ओमार के जगह पर रमेश है, तो रमेश के लिए उसको टिकट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रमेश के लिए उसको सेशन की मिलेगा, रमेश के लिए उसको अगेन टिकट मिलेगा और फिर वो रमेश को रिक्वेस्ट सेंड करेगी और फिर रमेश उसका रिक्वेस्ट ग्रांट करेगा। और ये जो ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस है उसको बार बार क्यों करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से जो सेशन कीज और टिकट्स उसको पहली बार मिले थे वो तो उसके पास है ना, तो उसको बार बार करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे उसको बार बार करने की ज़रूरत क्यों है जब उधर का आदमी बदल जाता है तब, ऐसा इसीलिए क्योंकि आदमी बदल रहा है, सर्वर बदल रहा है, तो सर्वर जब बदलता है उस सर्वर की कीज या उस सर्वर के टिकट्स तो इसके पास नहीं है, तो वो चाहिए ना उसको एक्सेस करने के लिए, तो इसीलिए वो प्रोसेस बार बार होता है। बट ये जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है ये बार बार नहीं होता, ये सिर्फ वन टाइम होता है। ओके अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दो, क्योंकि ये ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है और सारी की सारी रिसर्च करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो रिमेंबर जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।